हिंदू धर्म में पिंडदान की बहुत मान्यता है। यह शुरुआत भगवान श्री राम के द्वारा की गई थी। मान्यता है कि प्रयागराज में भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पहला पिंडदान किया था, जिसके बाद से यह पिंडदान की शुरुआत हिंदू धर्म में शुरू हुई। आज भी जितने हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों का पिंडदान करने प्रयागराज पहुँचते हैं। देखें एक रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो श्री सर्पीलाल तिवारी है और घाट का नाम है जयराम मिश्रा। आप पंडा हैं? जी। बताइए कि पिंडदान का क्या महत्व है और अब जो शुरू होने जा रहा है 10 तारीख से पितृपक्ष, उसमें कौन सा दिन ऐसा होता है जो विशेष होता है पिंडदान के लिए? मात्र नवमी। अच्छा। वो माता के लिए होता है। उसके बाद जो है फिर अमावस्या के दिन लास्ट में सब पितरों को दिया जाता है, जैसे पिता हैं, पर पिता हैं, विद्युत पर पिता हैं, हाँ माता पर माता, विद्युत पर माता, हाँ बाबा पर बाबा, विद्युत पर बाबा, आजी पर आजी, विद्युत पर आजी, हाँ चाचा दादा बड़ी अम्मा, उसके बाद जो है फिर आ गए नाना पर नाना, विद्युत पर नाना, नानी पर नानी, विद्युत पर नानी। आग का जला, पानी का डूबा हुआ, सांप का काटा हुआ, अकाल मौत से जो मरे हैं, हमारे हाथ से आसरा करते हो तो आकर के इस पिंड में तृप्त हो जाओ, लेकर के गया में वास करो। तो दो दिन होते हैं जी दान के? जी पहला नौ मात्र नौमी। मात्र नौमी जी। वो किसके लिए विशेष होता है? माता के लिए। और दूसरा? दूसरा सब पितरों के लिए। अगर बात की जाए तो पिंडदान की प्रथा कब से शुरू हुई, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने पहला पिंडदान राजा दशरथ का यही किया था, तो ये तब से शुरू है पिंडदान की प्रथा? तभी से। और कहाँ कहाँ पिंडदान किया जाता है? तभी से ये जाता है। तो गया का क्या महत्व है? गया का तो महत्व यह है कि वहाँ स्वर्ग मुक्ति मिल जाती है। गया का महत्व यह है कि फिर वापस पितृ नहीं आएंगे, वो प्रेत इन्हीं छोड़ करके पितरों में मिल जाते हैं। पितृ मीन्स भगवान होते हैं, तो भगवान के साथ हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं जा करके किसी उन्हीं में अपना जन्म ले लेते हैं, पैदा हो जाते हैं, फिर लक्षण राशि में आके भरमते हैं अपना। यही महत्व है। एक बार पितृ विसर्जन अगर हो गया तो दोबारा वो नहीं करना? जी नहीं होना है। गया पहुँचा दिए आप तो मुक्ति मिल गई। अच्छा ये बताइए कि अपने खानदान का और अपने जो ननिहाल है उन दोनों में क्या अंतर है? पितृ विसर्जन में कुछ अंतर होता है या फिर किसी समाज में कोई किसी अलग अलग तरीके की प्रथा है, जैसे ब्राह्मणों के समाज में हो गया, या फिर अगर बात करें हम तो जो क्षत्रिय हैं या बाकी जो हैं समाज, क्या उनमें अंतर है पितृ विसर्जन में? कोई अंतर नहीं है। पहले अगर हमको गया जाना है, अगर गया जाना है ठीक है ना, तो पहले ननिहाल की पीढ़ी देखा जाती है, तो वहाँ चावल लेके गए अक्षत उनके घर पे डाले तो वहाँ से पहले विदाई मिलती है गया के नाम से, ठीक। तब शुरुआत हो गया तो हर रिश्तेदारी में जाकर के अपना अपना ये सब वितरण किए और करने के बाद आए तो अपने घर से लिए और चल दिए गया के लिए, फिर आए प्रयाग में अपना पिंडदान किए और यहाँ से गए तो काशी। समाज में कोई अंतर नहीं? कोई अंतर नहीं, सब यही प्रक्रिया करते हैं। हाँ कोई अंतर नहीं है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? ब्रजभान तिवारी नाम है, सतना डिस्ट्रिक्ट में बड़ा गांव है। तिवारी जी बताइए कि पिंडदान का कितना महत्व है, अब जो पितृपक्ष है वो भी शुरू होने वाले हैं। हाँ पिंडदान का कितना महत्व हिंदू धर्म में? हाँ ये पूर्णमासी से लेके अमावस्या तक 16 श्राद्ध होती है, उनमें पितरों को ये श्राद्ध का विशेष महत्व है और इसीलिए शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। प्रयागराज के संगम घाट पर मौजूद है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम लोग जो है पिंडदान करने आए हैं और लोग यहाँ संगम घाट पर स्नान करते हैं। और बता दें आपको कि कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने सबसे पहले अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान यहीं पर पहला पिंडदान किया था, और शास्त्रों की अगर बात की जाए तो पहला पिंडदान प्रयागराज में संगम घाट पर किया जाता है, उसके बाद बनारस और उसके बाद गया। वहीं अब बता दें तभी से प्रथा चली आ रही है और लाखों करोड़ों लोग जितने भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो आते हैं और अपने पितरों का पितृ विसर्जन यहाँ करते हैं, पिंडदान यहाँ पर करते हैं। योगेश मिश्रा, प्रयागराज, न्यूज़ 18।